कोई दबंग हो या हमारे लोग भापते हैं लगाया रोक तो मुझ पर लगाएगा रोक एवं भ्रामक है तो मुझ पर लगाएगा रोक एवं भ्रामक है। जिस केस का हवाला दिया गया और आरोप पे बात किया गया वो माननीय न्यायालय जहानाबाद द्वारा उस केस में 10 तारीख को 10 अगस्त को हमको बरी कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि झूठा माने नजायज आर्म्स रखने का आरोप लगा था, उसमें जिसका भी कॉपी हमने आपके सामने रखा और आप लोग के भी हम बीच में वितरण कर देंगे जिससे हम बरी हो गए। और दूसरा केस जो हमारे बारे में बोल रहे हैं वो सिर्फ है FIR में नाम नहीं है उस केस में, उस केस में डायरी में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण डायरी में नाम जोड़ दिया गया। तीसरा है कोरोना काल में हुआ। चौथा केस जो हम चुनाव लड़ रहे थे अथवा विधानसभा वहाँ अलावलपुर का है, चुनावी केस यही केस है, उनमें मैं अपराध से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और न ही मैं दबंग हूँ। यह हमसे लोग कांपते हैं मोदी ने लगाया रोक ऐसा ही बात है। हम प्रोफेसर भी रहे BN कॉलेज में 96 से 20 तक, 20 फरवरी को हम रिटायर किए, लेकिन कहाँ किसी द्वारा कोई आरोप छात्र छात्राओं के पढ़ाने में कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन एक आरोप और उन्होंने लगाया, इन्होंने BSc कर MSc बिना किए हुए PhD कर लिए। ऐसी बात नहीं है, भूल से छूट गया था नॉमिनेशन पेपर, भूल कर दिया लिपिक द्वारा। लेकिन उसमें भी जब हम लेक्चरर में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा टीचर के अपॉइंटमेंट का निकला प्रकाशित हुआ, रिजल्ट निकला, उसमें मैं भी लेक्चरर में उम्मीदवार के रूप में हुआ था, मेरा भी नियुक्ति का आदेश हुआ। हमने BN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के विद्यालय यूनिवर्सिटी में BN कॉलेज है उसमें 1996 में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के उपरांत सुशील मोदी जैसा विचार वालों ने केस किया जिसमें 15-20 व्यक्ति के नाम था जिसमें मेरा भी नाम था। इन लोग के नियुक्ति गलत अवैध है, माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किए, माननीय उच्च न्यायालय ने जाँच करके ये सब चीज़ ठीक था, पूरा दस्तावेज के जाँच किया, बोला अपॉइंटमेंट ठीक है। फिर उसके बाद इनके मानसिकता के लोग ने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच हुआ, वो भी कहा कि सब अपॉइंटमेंट ठीक है। लेकिन बीच में गलती छूट गया है कि रथी MSc वाला, लेकिन मैं MSc पटना यूनिवर्सिटी 87 में किया हूँ, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं। जांच करना तो जांच करके देख लें, माननीय उच्च न्यायालय माननीय उत्तम न्यायालय से तो जाँच वाला एजेंसी नहीं ना है, अगर गलती कहीं हुआ तो यो में जाए। और बाकी जो उनके बारे में मेरा द्वारा कहा गया, हमको जैसे कहे कि दबंग है, इस तरह तरह के आरोप लगाए और आपराधिक मामला से भी जोड़े, लेकिन मेरे पास आए थे लोदीपुर के चर्च के लोग, ये लोग हैं, ये हैं फादर हैं, ये उनके सेक्रेटरी हैं, ये हमारे राम नरेश जी जो खेतान मार्केट से संबंधित केस है इनका भी दोनों में चल रहा है और इनका भी, इन्होंने आवेदन दिया था कि मोदी सुशील मोदी के भाई महावीर मोदी एवं अन्य लोग ने इसमें संलिप्तता है, तो हमने कहा था कि इसका जांच करावेंगे, जांच के दरमियान जो आवेगा उस पर कार्रवाई होगी। हमको एक दस्तावेज दिए, उसमें था उस उत्कर्ष स्फटिक कमिटी लिमिटेड, उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड में नाम आया हरीश कुमार मोदी एवं उदय कृष्ण कनौरिया एवं अन्य लोग के नाम आए, ये जाँच का विषय है।